देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के जगाधरी में हनुमान गेट के नजदीक 10वीं पातशाही बड़ा गुरुद्वारा में मौजूदा प्रधान को उसके पद से हटाए जाने के मामले को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। सिख संगत मौजूदा प्रधान करतार सिंह पर लगातार भ्रष्टाचार, तानाशाही और लोगों को नाजायज तंग करने के गंभीर आरोप लगा रही है। मीडिया से बात करते हुए केहर सिंह और परमिंदर सिंह ने बताया कि SGPC की ओर से जो प्रधान बड़ा गुरुद्वारा के लिए कई सालों से नियुक्त किया गया था उसका नाम करतार सिंह है और वो हमेशा अपनी मानी मनमानी करता रहता है। इसके कारण गुरुद्वारा साहिब में आने वाले सिख संगत बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। साथ ही यहाँ पर जो सेवादार हैं उनको भी प्रधान की ओर से जानबूझकर परेशान किया जाता है। इसके कारण वे लोग भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते। सिख संगत लगातार इस मामले को लेकर कई बार SGPC के सामने भी शिकायतें कर चुकी है लेकिन SGPC की ओर से प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि प्रधान पर अधिक शक्तिशाली होने का प्रभाव है। इस प्रभाव के कारण वे जांच के लिए आने वाले अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर सारी कार्रवाई अपने पक्ष में करवा लेता है जिसका खामियाजा गुरुद्वारा सेवादारों और यहां पर आने वाली सिख संगत को भुगतना पड़ता है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। है ते एथे जी ए सब तो वड्डा स्थान साडे जगाधरी शहर दा गुरुद्वारा पातशाही 10वीं गुरु गोबिंद सिंह चरण छोह प्राप्त दे गुरु घर दे नूं सच्चे पातशाह दी और एथे दा जो प्रबंध है उस कारण शहर की संगत इस तो टुटी हुई है और नहीं तो इस टाइम पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। जो इन्ने वड्डे स्थान ने इतिहासिक स्थान ने बूढ़ी साहब देख लो जाके प्रबंध उन्होंने हजारा संगत रोज आती है हर इतवार उ लंगर चलते हैं हजारा की गिनती संगत होंगी है पैर रखने की जगह नहीं होंगी तो यह गुरु साहब का स्थान इतिहासिक स्थान है इतने संगत की कमी है क्यों अज तो यह मुंडे सारे बुला के कट्ठे किए गए वैसे संगत घट होंगी है क्योंकि इतने जो प्रबंधक ने जो कमेटी है उन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं है जी और जो इत्थे दा प्रधान करतार सिंह वह तानाशाही करदा जी इत्थे और वह हटा चुकिया इत्थों हट चुकिया अपने हत्थी इस्तीफा लग के दे दिता उन्हें फिर भी तानाशाही करके पैसे दे जोर ते इत्थे वह गुंडागर्दी चलांदा गुंडागर्दी करदा इत्थे आके पहले उन्हें निजी दुश्मनी करके भाई जगबीर सिंह नूं कढ़िया ते हुण गुरप्रीत सिंह सेवादार बच्चा जो लग्या 2 साल तो हुण उहदे पिछे हत्थ हो के पिया दा ते उहनूं वी इह कढ़ना चाह रिहा सिर्फ की होया कि 5-7 बंदे बैठे से और 5 मिनट चाह लेट होइए उस चाह दे करके कहंदा तू अपना बिस्तरा चुक दे अपना निकल इत्थों। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों च पाने दूसरे स्कूल बदली करनी बड़ा मुश्किल होंदा है कम से कम 6-7 महीने हर बंदे नूं दिते जाने चाहिए ने कि तुहाडा भाई तुसीं अपनी जिथे मर्जी सेवा करो इत्थों तुहानूं अपना कट दिता गया तो टाइम देना चाहिए एकदम ही उन्होंने राती कह देना कि जाओ जी तुसीं अपना समान चुको और निकलो इत्थों बाहर और शहर की संगत नूं बेनती है भाई कि कोई दिन मुख रख के ते इत्थे तुसीं अपना कट्ठे होवो ते प्रबंध संभालो आप गुरपुरब मनाओ इन्हां दे हत्थे जो सेवा सारी गुरपुरबां दी खोल लिती जावे और असीं ते वेखो जे तुसीं 2 दिन दे अंदर अंदर ना कोई ऑप्शन चुकिया कमेटी ने भी ना चुकिया और मेन जो असीं बेनती करना चाहुंदे आ सरदार कैमपुर जी नूं सरदार कैमपुर जी नूं बेनती करना चाहुंदे तुसीं आ के जे तुहानूं गुरु साहिब ने इन्नी वड्डी सेवा दित्ती है ते तुहानूं आना चाहीदा हरियाणे दे गुरुद्वारे च वेखना चाहीदा कि सिस्टम की इत्थे चल रिहा तुहानू बुलाया गया तुसीं फिर भी नहीं आए चलो काम अक्सर पै जांदा लेकिन फिर भी तुसीं 1-2 दिन च आ के इत्थां दा सिस्टम सही सुधारो और नहीं तो फिर असीं सरोपा अपने आप संगत बदली करके प्रधान दूजा चुन चुके हां असीं उस असीं नाम नहीं लैणा चाहुंदे संगत दे विच असीं सरोपा पा देंगे तो वह प्रधान पक्का हो जाएगा जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। सिंह साहब जो प्रधान का चुनाव होता है या नियुक्त किया जाता है वो कैसे किया जाता है किसके द्वारा? ये जी जो बड़ी पावर हमारी दरबार साहब श्रोमणी कमेटी है जब तक वो बैठे तो इस शख्स को वो नहीं हटने देंगे उनकी पावर में ये बैठा हुआ इसीलिए ये तानाशाही करता है जी यहाँ पर तो पता कि बिना इलेक्शन के मैं हट नहीं सकता। हरियाणा प्रबंधक कमेटी के अंदर हरियाणा प्रबंधक। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।